नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत डिजाइन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 4-4 फंदे हम गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहले फंदे को आप चाहे तो बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लीजिए, शेष सभी फंदों को सीधा बुन लें। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो हम सभी फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और सीधा बुनेंगे। तो प्रत्येक फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। और अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदे को हम ऐसे खोलेंगे। 4 फंदों को हमने खोल लिया। अब इन्हें बाएं सिलाई पे चढ़ा लेंगे और देखिए, इन 4 फंदों के बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे। उन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा और एक हम लूप ले लेंगे। ये हमारा पहला फंदा हो गया। अब इन 4 फंदों के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। 2 फंदे हो गए। अब फिर हम इन 4 फंदों के बाद ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप ले लेंगे, 3 हुआ। और फिर इन 4 फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हो गए 1, 2, 3 और 4। 4 से हमने 4 फंदे बना लिए। अब इन्हें हम गिरा देंगे। अब नेक्स्ट 4 फंदे खोलेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 को बाएं सिलाई में ले लेंगे। अब इन 4 फंदों के बाद हम सिलाई डालें 4 फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। ये देखिए, हमारा ऊन दूसरी तरफ है, हमने एक फंदा बना लिया। अब फिर इन 4 फंदों के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और एक दूसरा फंदा हम बना लेंगे। 2 हो गया। फिर इनके बाद सिलाई डालेंगे, 3,
फिर इसके अंदर से एक फंदा बना लेंगे तो ये हो गया चार। अब इसे हम गिरा देंगे, ऊन हमारा दूसरी तरफ ही रहेगा। नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे, चारों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। चारों के बाद हम सिलाई डालेंगे। देखिए ये चार और पांच के बीच में हमने सिलाई डाला है। चार फंदे के बाद हमने सिलाई डाला, एक फंदा बना लिया। अब फिर इन चारों फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे, एक बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर इन चारों फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे। फिर इन चारों फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे और एक और फंदा। तो हमने चार से चार फंदे बना लिए। अब इन चारों फंदों को गिरा देंगे। अब नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे और फिर चारों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। चारों फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, एक लूप ले लेंगे। अब फिर इन चारों फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हुआ, फिर चारों फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, तीसरा फंदा, फिर इसके अंदर से चौथा फंदा। तो चार से हमने चार फंदे बना लिए। इसको हम गिरा देंगे, लास्ट फंदा। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा एज स्टिच है, इसलिए इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये कितना सुंदर डिजाइन बन गया। अब हम फिर पहली लाइन को बनाएंगे, यानी कि सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। प्रत्येक फंदे को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड से हैं तो सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो सभी फंदों को, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर शेष सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए एक दो और सीधा बुन लेंगे। एक दो सीधा बुन लिया। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए प्रत्येक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए हम सीधा बुन लेंगे। अब ये चौथा लाइन है तो हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष नेक्स्ट चार फंदे को खोलेंगे, इन चारों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे। चारों फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। एक फंदा हुआ, फिर इन चारों फंदों के अंदर सिलाई डालेंगे और बैक साइड से, बैक लूप से हम एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो, तीन, चार, फिर चार फंदे को खोलेंगे, चारों फंदों को बाएं सिलाई में ले लेंगे। चारों फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक लूप ले लेंगे। एक फंदा हुआ, चारों फंदों के अंदर सिलाई डाला, दूसरा फंदा हो गया, फिर तीन, चार। इस तरह हम चार चार फंदे खोलते जाएंगे और चार फंदे से चार फंदे बनाएंगे। एक बार बाहर से, दूसरी बार अंदर से, तीसरी बार बाहर से और चौथी बार अंदर से। नेक्स्ट चार फंदों को खोलेंगे,
चार फंदे हमें बनाने हैं, तो एक बार चारों फंदों के बाद बाहर से एक बार इनके अंदर ऐसे सिलाई डाल के दो, फिर बाहर से, फिर अंदर से, फिर ऊन को अपनी ओर कर लेंगे। ये लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। चार लाइन को ही हमें बार बार दोहराना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।